नमस्कार मित्रों, मैं जयसिंह आप सभी का स्वागत करता हूं क्रैक नाउ के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोटिफिकेशन के तहत आपका फॉर्म आ गया है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी बीच बीपीएससी ने एक नोटिस निकाला है आपके फॉर्म भरने के रिगार्डिंग, कुछ सूचनाएं प्रवाहित की हैं जिसे हम देखते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि कुछ जो माइनर त्रुटियाँ होती हैं वह भी ना होने पाए, और ध्यान से संभल कर फॉर्म आप लोग भरेंगे। तो 28 तारीख से लेकर आपके फॉर्म की तिथि जो है भरने की शुरू हो चुकी है। उसमें जो मुख्य आपको अनुपालन करना है, पहला यह है कि आपको फोटो अपलोड करते समय जो आपका वेबकैम के सामने आपको ठीक ढंग से बैठना है, और वेबकैम अच्छी तरीके से आपका फोटो निकाल पाए इससे आपको एक प्रॉपर सही स्थिति में बैठना है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि फोटो खींचते समय पीछे बैक में कोई छाया नहीं बननी चाहिए, तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है। फोटो कैप्चर करते समय चेहरे पर समुचित प्रकाश रहे जिससे चेहरे पर बैकग्राउंड और छाया न रहे। अभ्यर्थी किसी प्रकार के एक्सेसरीज जैसे चश्मा, टोपी, मास्क, मफलर, जो टोपी के साथ फोटो डालते हैं उनका इस बार अमान्य किया जाएगा। तो इस बार को ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार की एक्सेसरीज का इस्तेमाल नहीं करना है। अभ्यर्थी जो है वर्णित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट फोटो अपलोड करें, अन्यथा भविष्य में फोटो सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं गलत फोटो अपलोड करने की स्थिति में आपका ई कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। कमीशन इसके संदर्भ में कोई भी जवाब नहीं देगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके प्रवेश पत्र पर अंकित फोटो एवं परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन जांच के क्रम में कैप्चर किए गए फोटो में भिन्नता पाई जाती है, तो वैसे अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। तो मुख्यतः कहने का कार्य तात्पर्य यही है कि आपको फॉर्म भरते समय कुछ जो सावधानियां हैं वह बरतनी है, थोड़ा टाइम लेके लेकिन अच्छे तरीके से फॉर्म अपना भरिएगा। और एक आपके लिए नोट है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने दिनांक 29/9/2024 तक 29 सितंबर तक आवेदन कर लिया है, उन्हें सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बिंदुओं के अनुरूप कैप्चर फोटो अपलोड नहीं है तो दिनांक 1 तारीख तक, तात्पर्य कल तक से आवेदन करने की अंतिम तिथि 18/10/2024 तक डैशबोर्ड पर उपलब्ध अपडेट फोटो पर जाकर उपरोक्त बिंदुओं के अनुरूप सुस्पष्ट फोटो कैप्चर कर अपलोड करना सुनिश्चित करें। तो आपके लिए यह थोड़ा सा जानकारी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं लेकिन प्रॉपर फोटो नहीं आता, और बाद में जाकर उनका जब निरस्त होता है तो परेशान होते हैं। तो शुरुआती प्रक्रिया को ही आप अच्छे तरीके से रखिए और फोटो को अच्छे तरीके से अपडेट कीजिए, अपलोड कीजिए, ताकि आपके जो ई एडमिट कार्ड है उसको निर्गत होने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके लिए आप जो है पढ़ाई के, जो हम बार बार बताते हैं कि पढ़ाई क्या करना है, तो 4 सब्जेक्ट पे अब आप मुख्यतः फोकस कर सकते हैं। वैसे रिवीजन का टाइम है, नया कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है। तो 4 सब्जेक्ट जो है आपकी अगर हम बात करें तो आपका है जनरल साइंस है, आप इसे पढ़िए, इसको कवर कीजिए। इसके साथ ही आप जो है हिस्ट्री कवर कीजिए, हिस्ट्री आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। करेंट अफेयर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, 25 से 30 क्वेश्चन तक आते हैं। और साथ ही साथ बिहार स्पेशल, ये 4 टॉपिक अगर आप कवर करते हैं तो लगभग आपके 100 से 110 क्वेश्चन कवर होते हैं, और इसमें अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है तो आप मार्जिन पर आ जाएंगे। बाकी बचे के जो 40 क्वेश्चन हैं वह आप ऐसा तो है नहीं कि नहीं कुछ नहीं पढ़े रहेंगे, उसमें से भी कुछ सही होंगे तो आप कट ऑफ के पार चले जाएंगे। लेकिन मुख्यतः जो 4 सब्जेक्ट हैं, GS, हिस्ट्री, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, इस पर आप फोकस कीजिए, बेहतर तरीके से रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा ज़्यादा मॉक टेस्ट कीजिए। आप किसी भी मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर 9718901301 इस पे कॉल करेंगे तो हमारा मॉक टेस्ट है आपको मिलेगा, जिसको हमने 69 बीपीएससी के आधार पर बनाया है। तो आप लोग अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद।